दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं Lenovo S860 फ़ोन का, जो कि अभी अमेजोन पे अवेलेबल है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो इसका रिव्यू हम लोग करने से पहले, अच्छा फ़ोन तो है लेकिन इसमें जो कमी है, जो जिसके लिए ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी ख़रीदना नहीं चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस सुन के आपका दिमाग घूम जा सकता है, इसलिए कुछ पकड़ लीजिए। इसका प्राइस है 11,199 रुपये, मतलब कि 11,200 रुपये के करीब इसका प्राइस है, जिसमें आपको मिल जाता है बहुत सारा रैम, मतलब कि 2 GB रैम मिल रहा है। तो क्या बताऊँ, तो चलिए देख लेते हैं ये फ़ोन आपको क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। इतना प्राइस पे आपको देता है 8 MP का प्राइमरी कैमरा दोस्तों, 1.6 MP का फ्रंट कैमरा दोस्तों, 1.6 5.3 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देता है दोस्तों। OS की बात किया जाए तो एंड्रॉयड 11 नहीं है दोस्तों इसमें, उससे कम वाला है, एंड्रॉयड वर्सन 4.2 जेली बीन एकदम पहले का मोबाइल है दोस्तों, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो मोबाइल है 3G है और 4000 mAh का बैटरी देता है, तो इसलिए ये मोबाइल आपको बिल्कुल भी ख़रीदना नहीं चाहिए। इसका लुक आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, फिर भी इसके बारे में और डिटेल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पे क्लिक करके आप इसके बारे में और भी डिटेल जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पे आप लोग क्लिक करके देखिए। ये रिव्यू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और इसी तरह का रिव्यू पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, कि आपको पता चलता रहेगा कौन सा मोबाइल आपके लिए सही है, कौन सा मोबाइल आपके लिए सही नहीं है, इसके बारे में भी पता चलता रहेगा आपको दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था, यही था Lenovo S860 का रिव्यू। तो इसका रिव्यू करने का एक वजह है कि मैं देख रहा था, अमेजोन खोल रहा था तो अचानक से सामने आ गया, तो इसके लिए मैं इसका रिव्यू कर दिया कि बहुत सारा लोग इसको खोलते हैं, शायद उनके सामने भी खोलते खोलते आ जाए कि इतना प्राइस पे Lenovo का फ़ोन स्टाइल लुक तो बहुत ही अच्छा है लेकिन ये एकदम बेकार है। तो यही था दोस्तों वीडियो, बाय, आज के लिए फिर मिलते हैं।